छात्रों के आत्म आकलन के लिए सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज द्वारा समय समय पर टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में टेस्ट श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे न्यू सचदेवा पीटी कॉलेज के भूतपूर्व छात्र एवं शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर समर्थ शर्मा ने विद्यार्थियों को सफलता के टिप्स दिए। अंचल के सबसे ख्याति प्राप्त शिक्षण संस्थान सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में विद्यार्थियों के आत्म आकलन के लिए टेस्ट श्रृंखला आयोजित की जाती है। हर बार की तर्ज पर इस सप्ताह की टेस्ट श्रृंखला का आयोजन भी किया गया। टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत करने जब वहाँ के पूर्व छात्र मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे तो विद्यार्थियों में खासा उत्साह नजर आया। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज के पूर्व छात्र समर्थ शर्मा, जो की यहाँ के पूर्व छात्र रहे हुए हैं और यहीं से उन्होंने कोचिंग की है, यहाँ वे मुख्य अतिथि रहे। छात्रों से उन्होंने काफी विषयों पर चर्चा की। आप अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप नहीं करोगे, आप उससे जब तक अपने सब्जेक्ट से प्यार नहीं करोगे, आप उसमें कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कहते हैं कोई भी काम शिद्दत से करने पे मिलता है, शिद्दत की तैयारी, उस शिद्दत का आपको डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा, वो विश्वास अपने ऊपर रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्या सब्जेक्ट्स ही तो हैं, पर सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आना चाहिए, तभी होगा। किसी का होता है, किसी को फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, किसी को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट होता है, किसी को बायोलॉजी बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें क्या दिस इज अ कॉम्पिटिशन। आप किसी पे ईश्वर पे जिसने इस दुनिया में भेजा, दूसरा विश्वास माता पिता पे और गुरु पे, एक सब एक समान दर्जा है। माता पिता बायोलॉजिकल आपके हैं, गुरु जो है वो सोशल है, इस ढंग से बनती बात। किसी पर भी आपका भरोसा आगे पीछे होगा ना, तो कहीं ना कहीं आगे पीछे होंगे। और तीसरा जो सबसे खतरनाक वाला विश्वास हो अपने आप, अपने आप, अरे भाई अपने पर भरोसा नहीं तो दूसरा आप पे कैसे भरोसा। साथ ही विद्यार्थियों का डाउट्स क्लियर करते हुए उन्होंने अपने अनुभव जब वो यहाँ अध्ययन किया करते थे मीडिया से साझा किया, तो वहीं संस्थान के डायरेक्टर ने भी इसका उद्देश्य बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, बस अपनी सी फीलिंग है, अपने सारे दिन मुझे याद आ गए। और बच्चों को मैंने प्रॉपर कैसे पढ़ाई करनी है, किस प्रकार से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें करनी नहीं करनी, ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किए और शायद बच्चों के यूज़फुल रहें आगे चल के। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई जो टॉप 20 में आए उनके। हमारे बायोलॉजी के एक सर थे परिहार सर, वो एक बात अच्छा बोलते थे हमेशा कि बेटा हो ना हो अच्छे से पढ़ना, हो ना हो अच्छे से पढ़ना, आगे चल के अच्छा आदमी बनना, वो आपके लिए ज़रूरी है। तो वो बात अभी मुझे याद है। तो अच्छा पढ़ भी गए हम, अच्छी जगह आ भी गए और ऊपर वाली कृपा से अच्छे आदमी बनने की कोशिश भी कर रहे हैं। सर की काउंसलिंग बहुत अच्छी, इवन हमारे टाइम पे भी सर आके बीच बीच हमको मोटिवेट करते थे, स्पेशली संडे टेस्ट के बाद जब हम लोग की ऐसी रैंक वाइज वो सेलिब्रेशन होती थी, तब सर आके अच्छे से क्या पढ़ना है, कैसे करना है, कब एग्ज़ाम आ रहा है, सर बहुत अच्छे से हमें डायरेक्शन देते थे। सोशल मीडिया का उपयोग ये है कि देखिए आज के डेट में बहुत अच्छे हर जगह नॉलेज है, आप अच्छी चीज़ें भी सोशल मीडिया से ले सकते हैं, ख़राब चीज़ें भी ले सकते हैं। तो बेटर बच्चों के लिए रहेगा कि अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें, ख़राब चीज़ों का त्याग करें, इससे वो निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। देखिए आज 9वां टेस्ट सीरीज का और चीफ गेस्ट के रूप में हमारे 2003 बैच के स्टूडेंट समर्थ शर्मा, जो कि वर्तमान में शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर है मेडिसिन में, उनको आमंत्रित किया और उन्होंने बच्चों को बखूबी हौसला अफजाई की और बहुत अच्छे टिप्स दिए। देखिए सबसे पहली बात तो भरोसा बनता है, माता पिता और टीचर तो बोलते ही रहते हैं, माता पिता और टीचर का एक ही स्थान है बच्चों के दिमाग में, अरे इनका काम बोलना है तो बोलेंगे बताएंगे। लेकिन कोई सफल छात्र, वहीं से सफल छात्र अगर उस जगह से गुजरा हुआ है, उसी तरह की परेशानियों से गुजरा है, उसी तरह के दबाव से गुजरा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टर समर्थ शर्मा जब 2003 के में सेलेक्ट हुए, उस समय सिर्फ 2 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में और सीट 150 थी, उसमें इन्होंने ऑल इंडिया सेलेक्शन लिया। तो किसी ऐसे छात्र को बुलाना मुख्य अतिथि के रूप में सार्थक मैं समझता हूँ, कम से कम इतनी सार्थकता तो मैं समझता हूँ कि आज हमारा बच्चा जो 2003 में सेलेक्ट हुआ वो दुनिया को कुछ दे रहा है, कुछ अपना कार्य कर रहा है। तो इन्हें सम्मानित करने में सबसे पहला सम्मान तो हमारा होता है, और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बच्चे बखूबी उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं। इनको लगता है जब ये बोलते हैं कि मैं यहीं पढ़ा था और इसी तरह के माहौल में आज भी मुझे वो नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है मैं आया हूँ, तो और भरोसा पड़ता है। साप्ताहिक टेस्ट श्रृंखला में उच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा ने भी अपने अनुभव हमसे साझा किए। मैम मेरा नाम ममता पाटिल है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज फर्स्ट आकर के,
और यहाँ की सारी फैकल्टीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत, और हमारे जो टेस्ट में जितने भी डाउट्स रहते हैं वो सारे क्लियर करते हैं बहुत अच्छे से, और पर्टिकुलर ध्यान भी देते हैं कि कैसा आपका टेस्ट क्या ऐसा करके। हाँ मैम करती हूँ, और लगता भी है कि मुझे भी ऐसा बनना है, और अपने ही जहाँ से पढ़ी हूँ वहाँ पर आकर के आगे और लोगों को मोटिवेट करना है, एक इंस्पिरेशन बनना है लोगों के लिए। सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज में आयोजित टेस्ट श्रृंखला विद्यार्थियों के लिए मील का पत्थर साबित होती है। टेस्ट श्रृंखला के माध्यम से विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।